स्टैंडर्ड फोर्थ लेसन सिक्स डिविजिबिलिटी रूल्स. नाउ फर्स्ट डिविजिबल बाय टू. अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट इज एन इवन नंबर. इफ इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय टू पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 82, 25, 34. इन विच 82 एंड 34 बोथ आर इवन नंबर, दैट्स व्हाई इट्स डिविजिबल बाय टू पॉसिबल है. देन नेक्स्ट डिविजिबल बाय थ्री. A number is divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3. For example, first is 413. Now, 4 plus 1 plus 3 is equal to 8. 3 ke table mein 8 possible nahi hai. As 8 is not divisible by 3, so 413 is also not divisible by 3. Second example, 2034. 2 plus 0 plus 3 plus 4 is equal to 9. 3 के टेबल में 9 पॉसिबल है. सो एज 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 2034 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5. एज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द वंस प्लस इज आइदर 0 और 5. वंस प्लस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5. फॉर एग्जाम्पल 53 लास्ट डिजिट इज वंस प्लस पर 3 है तो पॉसिबल नहीं है. 70 वंस प्लस पर 0 है सो डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल है. 105 वंस प्लस पर 5 है सो डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल है. डिविजिबिलिटी बाय 6. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. दैट मीन्स हमने जैसे डिविजिबल बाई 2 एंड 3 का रूल चेक किया वैसे ही करना है. फॉर एग्जाम्पल 282 लास्ट डिजिट 2 इज इवन नंबर, सो इज 282 इज डिविजिबल बाई 2. नाउ 3 का रूल 2 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, सो 282 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. 2 से भी डिविजिबल पॉसिबल है, 3 से भी डिविजिबल पॉसिबल है, सो 282 इज डिविजिबल बाय 6. इफ दोनों में से किसी एक से पॉसिबल नहीं है तो वो 6 से पॉसिबल नहीं है. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. सेम रूल है 3 के जैसा. फॉर एग्जाम्पल 405. Now 4 plus 0 plus 5 is equal to 9. Now 3 के रूल में हम डिविजिबल 3 के टेबल में चेक करते थे, सो 9 के रूल में डिविजिबल बाय 9, दैट मीन्स 9 के टेबल में चेक करना है. एज 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 के टेबल में 9 पॉसिबल है, सो 405 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if the digit in the ones plus is 0. 10 का divisible by 10 कब possible है, ones plus पर 0 होना चाहिए. 75 possible नहीं है. 110 ones plus पर 0 है so 110 possible है. 54 possible नहीं है. Now exercise 6 in which first encircle the numbers which are divisible by 2. नाउ डिविजिबल बाई 2 का रूल क्या है, क्वेश्चन में जो नंबर है वो इवन होना चाहिए. सो 428, 138, 3456 एंड 4838. दिस फोर नंबर्स आर इवन नंबर सो डिविजिबल बाई 2. क्वेश्चन सेकेंड एनसर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5. नाउ डिविजिबल बाई 5 कैसे पॉसिबल है, वंस प्लस पर क्या नंबर होना चाहिए, या तो 0 या तो 5. So 230, 425, 1720, 635. वो फोर नंबर्स क्या है, डिविजिबल बाय 5 पॉसिबल है. Why? बिकॉज उसकी वंस प्लस पर 0 या तो 5 है. क्वेश्चन नंबर 3 एनसर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10. डिविजिबल बाय 10 का रूल क्या है, क्वेश्चन में जो नंबर है उसकी वंस प्लस पर 0 होना चाहिए. 110, 1450, 4660, 2220. सभी में लास्ट में 0 है सो डिविजिबल बाय 10 पॉसिबल है. नाउ एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 4. चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. नाउ 3 का रूल क्या है, क्वेश्चन में जो नंबर है उसका प्लस करना है.
First A, 39. 3 plus 9 is equal to 12. 3 के टेबल में 12 पॉसिबल है. So, is 12 is divisible by 3. So, 39 is also divisible by 3. Now, B, 73. 7 plus 3 is equal to 10. 3 के टेबल में 10 पॉसिबल नहीं है. As 10 is not divisible by 3. So, 73 is also not divisible by 3. C and D homework. Now, E, 4,284. 4 plus 2 plus 8 plus 4 is equal to 18. As 3 के टेबल में 18 पॉसिबल है. As 18 is divisible by 3. So, 4,284 is also divisible by 3.